एक गोली एक दुश्मन के मिशन के साथ ये जवान अपने लक्ष्य पर निशाना साध रहे हैं। भारत चीन सरहद पर तैनात आईटीबीपी के जवान लगातार अपनी ट्रेनिंग को कारगर बनाने का काम करते हैं। फिर बात चाहे फिजिकल ट्रेनिंग की हो या फिर हथियारों की ट्रेनिंग, AK-47 इंसास और LMG जैसे हथियारों से लगातार फायरिंग की जाती है। भले ही भारत चीन सरहद पर दोनों सेनाओं का लगातार आमना सामना होता है, गोली न चलती हो, लेकिन गोली की प्रैक्टिस लगातार दुश्मन पर दबाव बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है। किस तरह की ट्रेनिंग यहाँ पर आप देते हैं फिजिकल और हथियारों की? फिजिकल और हथियार रूटीन हमारा ये कंटिन्यू हमारे बरकरार रखते हैं ताकि आगे जाने में कठिन से कठिन परिस्थिति में निपटने के लिए तैयार रहें, और ताकि आगे दुर्गम क्षेत्र में आप फिजिकल जितना अधिक हम यहाँ पसीना बहाएंगे उतना हमारे खून बचेंगे। इसलिए इसी मुद्दे पे हम यहाँ पर रात दिन हमेशा या वो फायर या वो फिजिकल कंटिन्यू हम करते रहते हैं ताकि हमारे कठिन से कठिन परिस्थिति में हर प्रकार के कठिनाई को निपटने के लिए तत्पर तैयार रहते हैं। तो ये जज्बा है, ख़ासतौर से दिवाली के मौके पर। इस वक्त हम ITBP के इन जवानों के साथ हैं और पूरे देश में दिवाली का जश्न है, लेकिन सरहद पर ये जवान पूरी तरह से मुस्तैद हैं। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो आप भारत तक को सब्सक्राइब कर सकते हैं, साथ ही लाइक कीजिए हमारे वीडियोस और शेयर कीजिए।